बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की रिपोर्ट किस तरह सबमिट करें सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्टर ई सर्विस पोर्टल जिसे बोलते हैं उसमें किस तरह करें, तो इसको मुकिम भी बोलते हैं, तो सारी चीज़ें। तो इसमें अपनी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट किस तरह सबमिट करें, इसके अंदर आपको चाहिए क्या है, मैं वो आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट पेज आपको तीन चीज़ चाहिए, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। पहला, पासपोर्ट फोटो कॉपी, फ्रंट बैक पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए फाइनल पेज की, ठीक है। और तीसरा, आपका अकामा होना चाहिए डिजिटल वर्जन में। और डिजिटल अकामा निकलेगा कैसे, मेरे पास मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है, 2.5-3 मिनट का एक वीडियो कि आप अपना डिजिटल अकामा किस तरह निकाले, क्योंकि सारे लोगों का अकामा तो कफिल यहाँ से जब जाते हैं घर, आप कोई भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल शायद हो सकता है 1-2% लोगों का कफिल अकामा नहीं लेता है, पर सबका अकामा यहाँ जब फाइनली आप हिसाब लेते हैं तो अकामा जमा ले लेते हैं, शायद हो सकता है कि दूर लोग। तो आप डिजिटल अकामा निकालेंगे कैसे, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सिंपली 2 मिनट का वीडियो, 2.5 मिनट का। तो चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ई पोर्टल सर्विस पे किस तरह अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें, कोरोना वायरस की रिपोर्ट सबमिट करें। तो उससे पहले मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये मुकिम जो वेबसाइट है, ई पोर्टल सर्विस जो वेबसाइट है, इस पे बहुत ज़्यादा ही वर्किंग लोड है। इस वेबसाइट पे चाहे सऊदी है चाहे नॉन सऊदी, जो सऊदी में जॉब करके घर गया है चाहे किसी कंट्री का, उसको भी घर जाने के बाद वो आना चाह रहा है तो उसको यहाँ रिपोर्ट सबमिट करने पड़ेगा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसकी इम्यून सिस्टम सबमिट होगा, उसके सिस्टम में उसके तवक्कलनामे में उसका इम्यून सिस्टम सेव होगा तभी वो सऊदी आ सकता है। विदाउट विदाउट तवक्कलनामे इम्यून सिस्टम के नो एंट्री है सऊदी अरब में। तो इसलिए मजबूरी हमारी बन गई इस झमेले को गले में डालने के लिए कि ये करो वो करो ये करो। इन लोग अगर सीधा सीधा सिस्टम रखते कि अपना वैक्सीन लगा लिए भैया आ जाओ पेपर लेके एयरपोर्ट में दिखा दो घर चले जाओ कहीं भी, तो क्या कीजिएगा, नाटक है अब क्या करें आदमी, इसको तो सहना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजिंग आए, अगर मैं कुछ समझा ना पाऊँ, आपको शायद हो सकता है मैं कुछ समझा ना पाऊँ या कुछ चीज़ मैं मिसिंग कर जाऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। और दूसरा, अगर ज़्यादा इशू हो तो आप नीचे मैं व्हाट्सअप का लिंक दिया हूँ, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे पहले आप फिर एक बार उससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ लिखना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है moh.gov.sa, सॉरी SSS हो गया। इतना लिखने के बाद आप इसे सर्च करेंगे, इस वजह पहली पेज पे हमने क्लिक करेंगे तो हमारे साथ में इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद हम चलिए, तो यहाँ हम इस टाइप का आ जाएगा, तो हम यहाँ सबसे पहले इसको इंग्लिश कर लिया है पहले ही। और इसके बाद अब यहाँ हम सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ई सर्विस आ गई, हम इस सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं COVID-19 वैक्सीन अप्रूवल किंगडम सऊदी अरब, हम यहाँ क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ई सर्विस पोर्टल, यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको पढ़ना ज़रूरी है, जैसे मैं आपकी फ़ाइल की साइज़ क्या होनी चाहिए और आपको सारी चीज़ें आपके पास इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है आप देख सकते हैं। ऐसा तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, आप डिस्प्ले देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, प्लीज़ क्लिक द स्टार्ट सर्विस, हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स, यहाँ हम आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ चलो कि यहाँ वैक्सीनेशन जो अप्रूवल है उनके नाम भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं फाइज़र मॉडर्ना एस्ट्राजोनिक जॉनसन, ये सारी 6 वैक्सीनों के नाम भी आ रहे हैं, आप इसे पढ़ भी लेंगे कि आपकी कौन सी वैक्सीन है। फिर हम यहाँ टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
देख सकते हैं अब यहाँ आपके इस तरह आ गया कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट। हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करने में आपसे पूछेगा सऊदी या नॉन सऊदी, तो हम लोग तो नॉन सऊदी यानी हम लोग सऊदी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सऊदी नॉन सऊदी। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपसे अकामे की इंफॉर्मेशन कोरोना वैक्सीन रिक्वेस्ट। यहाँ आप सबसे पहले अपना अकामा नंबर डालेंगे, अकामा नंबर डालने के बाद आप नीचे डालेंगे अकामा एक्सपायरी डेट और उसके बाद ये कैप्चा कोड। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप अकामे का हिजरी डेट डालेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी, छोटी सी वीडियो है, ऐप है, इसके अंदर आप अपना इंग्लिश डालेंगे, डेट डालेंगे, नीचे आपको आरबी डेट वो कन्वर्ट करके बता देगा। तो चलिए हम अपनी अकामे की एक्सपायरी डेट डाल लेते हैं। मैंने अपने काम की डेट डाल ली, उसके बाद यहाँ मैं अपना कैप्चर कोड डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो देख सकते हैं आप मेरा फाइल आ गई मेन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, आप मेरी आइडेंटिटी नंबर आ गई, मेरी अकामे की डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेरा आरबी नेम आ गया जो आरबी में नेम लिखा हुआ, इंग्लिश नेम आ गया, उसके बाद मेरी नेशनलिटी आ गई और नीचे हम आ जाएंगे। अब यहाँ नीचे लिखा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ हमको अपना जीमेल डालना है, ईमेल डालना है, फिर सेकेंड कन्फर्म ईमेल डालना है, उसके बाद हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं अब हमारे मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, ओटीपी आपके मेल पे भी जाती है और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगी, ठीक है। तो आप अपन वेट करते हैं ओटीपी का। चलिए ओटीपी आ गए, हम ओटीपी डाल देते हैं और डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं मेन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, हमारा नाम जो पहले मैंने बताया कि वही आ रहा है, और नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना ईमेल डाल दिया था, मोबाइल नंबर डाल दिया था, उसके बाद वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ आपके कन्फ्यूजिंग में आपको बताया था पहले, कन्फ्यूजिंग में दूर करूँगा, यहाँ आपको फाइजर सेकेंड डोज लिख रहा है, इसको जब तो यहाँ फाइजर सेकेंड डोज लिख रहा है। अब भाई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत से कि मेरी वैक्सीन तो आ नहीं रही जो मैंने कोविड से लगाई, तो मैंने आपको एक बात बताता हूँ चलूँ, फाइजर और एस्ट्राजोनिक की कंपनी ही की वैक्सीन है कोविड सील, यानी वो अप्रूव्ड है सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब ने 6 वैक्सीन को दिया, वो एक ही कंपनी की वैक्सीन है वो जो कोविड सील हम लोग इंडिया में लगवा रहे हैं जो भी कोई। तो आप यहां से एस्ट्राजोनिक भी सिलेक्शन कर सकते हैं और फाइजर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहां आपसे पूछ रहा फर्स्ट डोज, तो हम यहां फर्स्ट डोज आपने कब लगवाई थी वो यहां डालेंगे, उसके बाद सेकंड डोज कब लगवाई थी वो यहां डालेंगे, ठीक है। सेकेंड डोज डालने के बाद डॉक्यूमेंट्स ओनली पीडीएफ फाइल मस्ट बी, तो ये सारी चीज़ें 1 MB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे चूज़ फाइल पे पासपोर्ट, हम यहाँ पासपोर्ट सिलेक्शन कर लेंगे और पासपोर्ट इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा कीजिएगा, ये नहीं कि आप दूसरे के, चलिए आप तो अपना कर रहे हैं, मैं तो चलिए दूसरे का कर रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे फाइल्स हैं, कहीं खुदा ना खासा दिक्कत हो जाए तो फिर मुसीबत है, मैंने इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके फाइल में हर किसी के अलग अलग रखा हूँ कि कहीं खुदा ना खासा किसी का दूसरे का नहीं सबमिट हो जाए। तो सबसे पहले हम पासपोर्ट डालेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हम यहाँ फिर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम अपने फाइल में जाएंगे और जहाँ वो फाइल पड़ी है उसको एक बार ओपन करके हमको ज़रूर देखना है कि गलत तो नहीं है, तो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, अटेंड में आप कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूर इसको छोड़ भी सकते हैं, पर आप अपना अकामा डाल देंगे तो बेस्ट रहेगा, अकामे की पीडीएफ फाइल, हम यहाँ फिर पीडीएफ फाइल सिलेक्शन करते हैं अकामे की। सॉरी गलती हो गया, हमने पासपोर्ट की जगह वैक्सीनेशन लगा दिया, तो चलिए हम वहाँ
तो देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने एक एक करके चेक भी कर ले रहा हूँ, ज़रूरी है कि कौन सी मैंने फाइल सबमिट की है। एक बार आप इसे ओपन करके चेक भी कर लेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, घबराना नहीं है। दो आधे घंटे जगह एक घंटा काम लगेगा, मुश्किल नहीं, पर काम आप आराम से करेंगे। तो यहाँ आने के बाद हम सारी चीज़ चेक करने के बाद यहाँ बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, हमारी सारी फाइलें सबमिट हो गई। तो मैं इसके अंदर आपको तीन चार बातें बताता हूँ, चलूँ फाइनली जल्दी जल्दी, कि आप कहीं कोई कन्फ्यूज नहीं करें। फाइनल आपको तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया मैंने कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस सूरत में होने चाहिए। और दूसरा कि आपका अकामा वैलिड होना चाहिए और आपके वीज़ा एक्सटेंज होना चाहिए, यानी बढ़ा हुआ होना चाहिए दूसरा। और तीसरा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात जो है, और तीसरा जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, मैंने पहले बोला कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह, जो सेकेंड डोज आप जब वैक्सीनेशन को सबमिट करने जा रहे हैं, जो सेकेंड डोज आ रहा है, सॉरी फाइज़र जो सेकेंड डोज आ रहा है, फाइज़र सेकेंड डोज, एस्ट्राजेनिक सेकेंड डोज, मॉडर्ना, जॉनसन, तो आपने इंडिया में लगाई है कोविडशील्ड और वहाँ आ रहा है फाइज़र और एस्ट्राजेनिक, और मतलब छः वैक्सीनें आ रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपकी कोविडशील्ड जो वैक्सीन है फाइज़र और एस्ट्राजेनिक कंपनी ही की तीसरी मॉडल कंपनी है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने की मेरी कोविडशील्ड है शायद ही नहीं, आपकी कोविडशील्ड जो है वही कंपनी की है जिसकी फाइज़र कंपनी है, जिसकी आपको एस्ट्राजेनिक है। तो वहाँ आप फाइज़र भी सिलेक्शन कर सकते हैं और एस्ट्राजेनिक को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हो सकता है आपके बहुत से भाई लोगों के मन में ख्याल है, इसलिए मैंने इसको भी दूर करना ज़रूरी है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी आपकी कोई कन्फ्यूजिंग है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे, और अगर अदर ज़्यादा इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे लिंक पे है उस पे ज्वाइन कर सकते हैं, पर उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।